जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी तो उसमें कुछ युवा झांसी के भी शामिल थे। झांसी के 340 युवकों और युवतियों को सरकारी नौकरी दी गई। इसमें भारतीय रेलवे, SSC, ITBP जैसे तमाम विभागों में ये नियुक्तियां की गईं और सभी को नियुक्ति पत्र दिए गए। झांसी के दीनदयाल सभागार में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, सांसद अनुराग शर्मा, विधायक रवि शर्मा और DRM आशुतोष की मौजूदगी में 340 युवाओं को यह नियुक्ति पत्र दिए गए। एक तरफ जहां युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया इस नौकरी के लिए, तो वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को थोड़ा और तेज कर सकते थे जिससे उनका समय और साल दोनों बच जाते, क्योंकि अधिकतर युवाओं ने 2019 में अप्लाई किया था और नौकरी 2023 में मिली है। नियुक्ति सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क पर नियुक्ति हुई है मेरी। तो इसके लिए आपने आवेदन किया था, विज्ञापन कब निकला? विज्ञापन 2019 में निकला था। आज आपको नौकरी मिली है, कैसा लग रहा है? क्या मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले ये बात उठती थी कि नियुक्ति समय कुछ एक्स्ट्रा धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया था? नहीं, जैसे हमें उड़ती होगी फॉय, लेकिन जो एग्जाम हुआ, जो परीक्षा हुआ वो निष्पक्ष रूप से हुआ। हाँ, थोड़ा समय लगा, उसमें भी कुछ ऐसे समस्या उत्पन्न हो गई थी जैसे आकांक्षा पाराशर। किस पर नियुक्ति हुई है? सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कब ने अप्लाई किया था आपने इसके लिए? सर 2019 में। तो 5 साल की प्रक्रिया के बाद कैसा आपको अनुभव लग रहा है? सर बहुत खुशी हुई थी जब रिजल्ट आया था तो, और अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी है और परिवार में भी सब बहुत खुश हैं। क्या करते हैं माता पिता? सर पापा बिजनेस मैन है और मम्मी हाउस वाइफ है। आपको मतलब एक जो प्रधानमंत्री ने बात कही कि पहले कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता था, क्या ऐसा कुछ प्रक्रिया में? हाँ, नूफ इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया कि 19 से 23 हो गया, और फिर अभी फिर उसकी खुशी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा। हाँ कीर्ति पल्लव रिचार्ज शाह। मेरी TMC इन में हुई है। गुड सर, ट्रेन मैनेजर। मैं तो टेक्नीशियन अप्लाई की थी। इसका मैं 18 में अप्लाई फॉर्म आया था और तो इतना लंबे अंतराल। हाँ तो हाँ बहुत खुशी हो रही है कि एट लास्ट चलो फाइनली जॉब मिल गई, एंड फैमिली को भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ वो तो है, और हाँ जल्दी हो सकती थी ऐसा तो लगता है। वो एज तो स्टूडेंट लोग इतने एज तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उनके, तो एज तो लॉस हुआ ही क्योंकि हर एग्ज़ाम फाइट करने के लिए तेज मैंडेटरी होता है, वो भी एज लिमिट होती है, तो वो तो बहुत बड़ी फैक्टर है। हाँ और बेहतर कर सके, लेकिन हाँ पहले से स्थितियाँ बहुत सुधरी है और ये रोज़गार मेला से तो ठीक है कि जल्दी प्रोसेस मतलब हो रहा है।